मूर्खवा गदावा जवन हम यही के लेके रटन करत हूँ। अब ये बताइए ब्रह्मांड का मतलब क्या समझते? ब्रह्मांड मतलब पूरी धरती, पूरी दुनिया जिस धरती पर बसी है। लक्ष्मण जी कहे कि भैया राम आदेश कह दें तो पूरा धरतिया उठा के फेंक दें समुन्दर में, समाज इसको मान गया। लेकिन धरतिया जब उठाते तो अपने कहाँ रहते? इस चीज पर आज तक कोई चर्चा कर पाया? बड़ी बड़ी जगहों में बड़े बड़े झूठा रख के त्रिकुंड लगा के राम कथा करते हैं, यही समाज बेकूफों की तरह पढ़ा लिखा वहाँ बैठ करके जितनी झूठ है उस झूठ को एक्सेप्ट करता है, घूमता रहता है, हाथ जोड़ करके चढ़ावा देता रहता है, पैसा देता रहता है कि एकदम सत्य कर जो 100% गलत है, 100% झूठ है। भारत का शासक बनने के लिए जितनी भी फर्जी देवी देवता बनाए गए हैं सबका प्रत्याग जब तक समाज नहीं करेगा और जातियों से बाहर निकल करके जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक ये रामायण रामायण पढ़ने से कथा सुनने से समाज का कल्याण किसी हालत में नहीं हो सकता। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। सादर जय। सर मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है, सर रामायण में देखा गया कि राजा जनक जी अपनी बेटी सीता जी का विवाह करने के लिए एक शर्त रखे थे कि धनुष बाण को तोड़ना है, मगर कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया तो राजा जनक जी रोने लगे, वो आहत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहे कि भैया आपका आदेश हो तो मैं धरती को ही पलट दूं। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी सर, पहली चीज कि मैं आप लोगों को बार बार मना करता रहता हूं कि रामायण रामायण की बात जी हमसे मत पूछा करिए जी, क्योंकि जो टोटल झूठ है जी, झूठ में और झूठ को कुछ भी कहा जा सकता है जी। मैं वो लिखने वाले को और सुनने वाले को मानने वाले को जी, मैं उनसे पूछता हूं जी कि जो धनुष तोड़ेगा सीता उसके गले में वरमाला डाली जी, हजारों राजा थे जी कोई नहीं तोड़ पाया जी, बिना न्योता का राम लक्ष्मण गना ऐसा भी दिखाया था जी, उनके गुरु जा रहे थे तो वो भी साथ में उनके चले गए जी। तो जब धनुष नहीं उठी तो पूरे राजा मिलके एक साथ धनुष उठाने लगे, तभी धनुष नहीं हुई। तब राजा जनक जी कहे बस करो, क्योंकि देखिए मनगढ़ंत कहानी बड़ी चुटुक लगती है सुनने में, बहुत अच्छी लगती है जी जी। झूठ को जब आप दर्शाएंगे तो झूठ इतना सुंदर लगता है, इतना अंदर से गुदगुदी हो ले जी जी, कुछ ट्विस्ट मिलता रहता है इसमें, क्योंकि सत्य तो है नहीं जी। तो जनक जी रोने लगे कि मैं जानता कि ये वसुंधरा वीरों से खाली है जी, तो मैं ऐसी शर्त नहीं रखता जी। तब लक्ष्मण जी तमतमा कर खड़े हो गए जी, खबरदार महाराज ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जी, ये धरती कायरों की धरती नहीं है, आप वीरों की बात करते हैं, वसुंधरा पर वीर नहीं है जी। भैया राम बैठे हैं, अभी आदेश कर दें तो पूरे ब्रह्मांड को उठा करके समुद्र में फेंक दूं जी। मूर्खवा गदावा जो नम यही के लेके रटन करत हूं जी। अब ये बताइए ब्रह्मांड का मतलब क्या समझते हैं? ब्रह्मांड मतलब पूरी धरती जी, पूरी दुनिया जिस धरती पर बसी है। लक्ष्मण जी कहे कि भैया राम आदेश कह दें तो पूरा धरतिया उठा के फेंक दें समुन्दर में, समाज इसको मान गया। लेकिन धरतिया जब उठाते तो अपने कहां रहते? इस चीज पर आज तक कोई चर्चा कर पाया?
बड़ी बड़ी जगहों में बड़े बड़े झूठा रख के त्रिकुंड लगा के राम कथा करते हैं, यही समाज बेकूफों की तरह पढ़ा लिखा वहां बैठ करके जितनी झूठ है उस झूठ को एक्सेप्ट करता है, घूमता रहता है, हाथ जोड़ करके चढ़ावा देता रहता है, पैसा देता रहता है कि एकदम सत्य कर रहे हैं, जो 100% गलत है, 100% झूठ है। कथा का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो कल्पना के आधार पर कहानी बनाई गई है उसी को कथा कहते हैं। आई को क्या कहना, कथा शुरू होने वाली है लेकिन समाज समझ पाया कि कथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कथा का मतलब जो बनावटी बात है, जो कल्पना के आधार पर कहानी बनाई गई है उसे कथा कहते हैं। तो ये कथा इतिहास नहीं है और समाज को इसी कथा के पीछे इतिहास से दूर कर दिया गया। चंद लबों में बाबा साहब अंबेडकर छोटे शब्द में कहे थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जान पाया वो कभी इतिहास नहीं बना पाएगा। खुद को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए, व्यवस्था को जानने के लिए पहले अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। अब मैं लोगों को सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहा हूं और यही हमारा समाज टोटल पूर्ण रूप से हमारा विरोध भी कर रहा है। और जब विरोध करता है बात होती है तो 5 मिनट बात नहीं कर पाते, 5 मिनट के बाद सीधे गाली गलौज शुरू हो जाती है, क्योंकि हम इस समाज को कहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये समाज जोंख की तरह जी उसी में घूम घूम के वही मूर्तिया के पीछे ये समाज बार बार भाग रहा है। इस देश में 100 करोड़ आबादी है हम लोगों की, SC ST OBC माइनॉरिटी की मिलाकर 100 करोड़ है, लेकिन इसी कथा पर कथा सुना सुना के ऐसा लोगों को बांट दिए हैं, लोगों में ऐसा मतभेद पैदा किए हैं कि थोड़ी 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 यही में से प्रसादे लेके 30-32% की बहुमत बना के दिल्ली पर राज कर रहे हैं। हमारा समाज कहीं हनुमान के पीछे, कहीं शंकर जी के पीछे, कहीं लक्ष्मी जी के पीछे, कहीं विश्वकर्मा जी के पीछे, कहीं कन्हैया जी के पीछे ये अपनी मुक्ति तलाश रहा है। भारत का शासक बनने के लिए जितनी भी फर्जी देवी देवता बनाए गए हैं सबका प्रत्याग जब तक समाज नहीं करेगा और जातियों से बाहर निकल करके जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक ये रामायण रामायण पढ़ने से कथा सुनने से समाज का कल्याण किसी हालत में नहीं हो सकता। जी सर, एक वीडियो कल मोबाइल में देखा गया सर कि कांवरिया सब आ रहे थे और उनसे पूछा गया, एक पढ़े लिखे आदमी थे वो पूछ रहे थे कि आप अपना सिर्फ जात बताते हुए जाइए, कोई बता रहा था प्रजापति, कोई बता रहा था पासवान, कोई बता रहा था साहनी, कोई बता रहा था यादव, मगर कोई भी सर ये नहीं कहा होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, कोई नहीं कहा सर। ऐसा है कि ब्राह्मण बेवकूफ थोड़ा है जी, वो तो समझदार है। हमने एक वीडियो में बताया था कि ये ऐसी समय में कांवड़िया यात्रा शुरू होती है और 1 महीने की होती है जी। 1 दिन 2 दिन की नहीं होती, पूरा सावन भर महीना चलता है कि सावन भर महीना काम का समय है। पहले तो इनका काम चौपट होगा, फिर इनका धन नुकसान होगा और युवाओं की पढ़ाई नुकसान होगी। आज से 30 साल पहले जी उत्तर प्रदेश में कांवरियों को कोई जानता नहीं था और न ही यहां से कोई कांवर लेकर के बैजनाथ धाम जाता था। 30 साल के बाद ही जब इस देश में BJP आई तब धीरे धीरे कांवरियों की संख्या यहां बढ़ना शुरू। BJP का सीधा एक मार्ग है कि लोगों को सत्य से हटा करके असत्य के मार्ग पर किसी तरह से डाइवर्ट करो, ये शिक्षा विहीन हो, धन विहीन हो, अधिकार विहीन हो और इन्हें बांट बांट करके रखो। क्योंकि आज कांवरिया ढोना अगर लोग बंद कर दिए, जल ढोना बंद किए तो ये पढ़ना शुरू करेंगे और जब शिक्षा मजबूत होगी तो एक होना शुरू करेंगे और जब एक हो जाएंगे तो पूरे देश पर इनका कब्जा होगा, यहाँ के शासक हो जाएंगे जी।
इसीलिए जब कोई शिक्षा की बात करता है तो उसको लापता मिलता है जी। आज जब कांवर लेके जाता है तो ऊपर से जहाज से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा जी, बहुत गर्वान की बहुत प्रफुल्लित लोग हो जाते हैं देख के कि मेरे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। सर मेरा क्वेश्चन इसी में एक और है कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए 14 साल के लिए, उनके भाई लक्ष्मण जी भी गए, मगर श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी को साथ लेकर गए, मगर लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को घर पर छोड़ दिए, तो 14 साल तक उनकी पत्नी कहाँ रही? ए भैया, रामायण में तो हम ये देखे हैं जी, जो रामानंद सागर जी चलाए थे जी, कि जब ये निकल रहे थे तो वो बिचारी पानी लेके आएगी, तनी पानी पिया दी जी, तैसे वो निकल गए और वो लोटा का पानी लेकर 14 साल उसी चौखट पर ही खड़ी रह गई। मैंने यहाँ एक गदावा झूठ का भी धुरा तोड़ दिए जी। बताइए कि एक इंसान जो है 14 साल जल लेकर के ये कई दरवाजे पर खड़ा रहेगा, बिना खाए पिए सोए बैठे, क्या ये संभव है? ये वहां तक लोगों के दिमाग को नाप दिए। और जब 14 साल के बाद लक्ष्मण घर आते हैं तो देखे कि उनकी पत्नी उर्मिला वही पानी लेके उसी दिशा में खड़ी है, तब वो कहे कि अभी तुम खड़ी हो? कहे कि स्वामी आप आ गए क्या? 14 साल बीत गया, उसको पता ही नहीं, जैसे 14 साल जना कि 14 मिनट में बीत गया जी। अब वहां कहते हैं कि उनकी आस्था थी। अब क्या लोगों की आस्था गोबर खाने गई है? हैं? तो इस सब इस समय तो 1-2 साल पत्नियां नहीं रह सकती हैं सर, इस समय तो अपने पति की याद में 1-2 साल तक नहीं रह सकती हैं सर। यार बहन देखा तो भाई, एक वीडियो वायरल होता, वो 2 बच्चों की माँ भी थी, वो बेचारा सफाई कर्मी में था जी, क्या नाम था उसका, आलोक मोर, आलोक मोर, और पत्नी भोली भाली समझ करके वो कही कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ, अब वो पेट काट काट करके ऋण कर्ज लेकर के पढ़ाने लगा, और पढ़ाया जब वो PCS हो गई, SDM हो गई, तब उसका आदमी उसको सफाई कर्मी नजर आने लगा, तब होमगार्ड वाले से वो अपन हिसाब किताब बना दिया जी। तो मैं कैसे मानूं, मैं इस चीज को कैसे मानूं कि रामायण का असर यहां लोगों पर है? नहीं, इस चीज को माना जा सकता है? अगर आपके रामायण में इतनी ताकत है, उर्मिला 14 साल लोटा का पानी लेकर के चौखट पर खड़ी रह गई जी, तो ज्योति मौर्या इतनी जल्दी काहे बदल गई? एक मतलब वो रामायण नहीं पढ़ी थी जी, ज्ञान का अभाव था उसे। अब चूंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम महिलाओं का अपमान नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ज्योति मौर्या जी पूरे देश के महिलाओं का विश्वास तोड़ा है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कहूंगा, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर सकता जी, कि कम से कम शिक्षा का महत्व संस्कार से जोड़ा जाता है, आपने शिक्षा और संस्कार की जो तहजीब है, आपने तीनों को खत्म किया है जी। जो पति, ये सीधी सी बात कर दो कि जो पति बेचारा इतनी मेहनत से, इस हौसले से पढ़ाया है आपको, क्या सोचा होगा, और वहां आपको जब पहुंचा दिया तो आपने उसको लात मार दिया, इसलिए ये समाज में बहुत ही घृणित कार्य है। आइंदा आपने जो किया ज्योति जी ठीक है, लेकिन आगे भी मैं अपनी माताओं बहनों से ये अपील करूंगा कि इस तरीके का कार्य न हो, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है जी। चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।